नमस्कार दोस्तों, इनसाइड स्पोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी बिहार क्रिकेट संघ की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है जिसपे हम नजर डालते हैं। बिहार क्रिकेट संघ की ओर से अंडर 19 आयु वर्ग में चयनित खिलाड़ियों का कैंप सारण जिला क्रिकेट संघ की मेजबानी में लगाया जा रहा है। बीसीए के बाजार में यह खबर भी गर्म है कि इस आयु वर्ग में बिहार की जगह दिल्ली और हरियाणा समेत अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को मोटी रकम चुकाने के आधार पर कैंप में शामिल किया जा रहा है। और बातों ही बातों में इस बात का खुलासा भी हो गया जब नवादा जिले ने बीसीए के इस घिनौने कारतूस में शामिल लोगों को अंगूठा दिखाया और बाहरी खिलाड़ियों को अपने घर में पोसने से इनकार कर दिया। बीसीए सूत्रों के अनुसार अंडर 19 आयु वर्ग में पहले सारण में आयोजित होने वाले कंडीशनिंग कैंप में कुल 40 खिलाड़ियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था, जो बाजारवाद के दायरे में आते ही 50 की संख्या में तब्दील हो गई। मजा तब आया जब इस अभियान में पैसा पानी की तरह बरसने लगा और दिल्ली हरियाणा समेत अन्य राज्यों से मिले लाखों की बारिश में अंततः कंडीशनिंग कैंप में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की संख्या 60 तक पहुंचा दी गई। संभव है यह संख्या अभी और बढ़ से क्योंकि बिहार क्रिकेट संघ में इन दिनों प्रतिभा की जगह पैसों ने ले रखी है। यह बिकाऊ बीसीए इन पैसों की उगाही में लगा हुआ है। इससे पहले बीसीए अंततः जीवित हस्ताक्षरण बन चुका है। सूत्रों की माने तो खिलाड़ियों के खरीद अभियान में बिहार क्रिकेट संघ के आला अधिकारी तो शामिल हैं ही, खेल संचालन करने वाली एक कंपनी भी बतौर दलाल शामिल है जो बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों का हवाला कर बीसीए से जोड़ने का काम कर रही है। इस अभियान के तहत बाहरी राज्यों से पैसों के बूते लाए गए खिलाड़ियों का बंटवारा जिले के आधार पर किया जा रहा है और उनके नाम पर ही फर्जी कागज तैयार कर कैंप में रख के आने वाले दिनों में बिहार के नेतृत्व देने की कवायद जारी है। खिलाड़ियों से ट्रायल और कैंप में शामिल करने के नाम पे पैसे उगाही का आरोप प्रत्यारोप भी जोरों पर है। मुजफ्फरनगर जिला क्रिकेट से जुड़े एक लड़के ने हमें बताया कि उसने 25,000 रुपए लेके टीम के कैंप में शामिल होने की बात कही है, जबकि बाहरी राज्यों के आने वाले खिलाड़ियों के लिए कैंप में शामिल होने की मानक राशि 10 लाख रुपए रखी गई है, जबकि बिहारी खिलाड़ियों के लिए कैंप राशि 2 लाख से शुरू है। सूत्रों की माने तो अब तक अंडर 19 कैंप के नाम पे तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है, जिसमें एक विज्ञापनकर्ता एजेंट और जिला क्रिकेट संघ के नायाब नायक भी दलाली में शामिल है। बहरहाल इस मामले में जाँच और पैसों की उगाही पर रोक के लिए भी अंदरूनी कार्रवाई तेजी पर है। एक खेमा है जो इस अभियान के रोक लगाने को आतुर है। इसका परिणाम भी बिहार क्रिकेट संघ के पटल पर शीघ्र होगा, लेकिन डर है कि अब तक के अभियान में मायावती नेतृत्वकर्ता कहीं प्रतिभा का गला घोट के पैसों के बूते खरीदे गए खिलाड़ियों के हाथ में बीसीए को गिरवी न रख दें।